बम हेयर या बट हेयर को कैसे शेव कर सकते हो, वो भी खुद से। गो टू द स्क्वाट पोजीशन और एक मिरर ले लो एंड एक अलग सा रेजर होगा तो बेटर होगा। और आपको दोनों चीज शेव करना है, द इंटीरियर विच इज द बट लाइन एंड द एक्सटीरियर विच आर द बट चीक्स। जब इंटीरियर का कर रहे हो ध्यान से करना क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, और एक बट को ऐसे स्ट्रेच करके फिर आराम से करना। अभी अगर आपको ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है देन डर्मैट सजेस्ट इट्स बेटर टू शिफ्ट टू लेजर हेयर रिडक्शन बिकॉज इट्स मच मच बेटर देन वैक्सिंग। मैंने तो पर्सनली अपना फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन करवाया हुआ है, मेको से हेड टू टो पूरा इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग योर ब्रेस्ट हेयर, चेस्ट हेयर, क्रॉच एरिया और जो आपके वल्वा के जो लिप्स है उसके आजू बाजू वाले हेयर वो भी। डोंट बी एम्बैरस्ड विद योर बटन क्योंकि ये सबको होता है, मेरे को भी था। अभी हेयर निकालना या नहीं निकालना वो आपकी चॉइस है। मैंने ये चीज आपको लास्ट रील में भी दिखाई थी, जब बट हेयर का लेजर हेयर रिडक्शन हो रहा है बेसिकली यू कम टू द नी पोजीशन, वो डॉगी पोजीशन बोलते हैं, एक फ्रेश रेजर निकाल के उस पूरे रीजन को शेव कर देते हैं एंड देन ठंडा ठंडा कूलिंग जेल लगा के लेजर श्रग्स देते हैं। आफ्टर 6 to 8 सेशन 90% आपकी बालों की हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, बाल आएंगे लेकिन एकदम ना पतले पतले। आपके कंफर्ट के ऊपर है, यू वांट टू डू इट एट होम और एट द मेको एक्सपीरियंस सेंटर। क्योंकि फिलहाल जो मेरे मेंटेनेंस सेशंस है ना वो मैं कोरमंगला ब्रांच पे ले रही हूँ। लाइक आई ऑलवेज से एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे ऊपर लेजर काम करेगा या नहीं देन जस्ट गो टू माई बायो, क्लिक द लिंक एंड एक लेजर का ट्रायल सेशन ले लो जो सिर्फ 99 रुपीज का है एंड जस्ट जज इट बाय योरसेल्फ वेदर इट वर्क्स ऑन यू आर नो। द लिंक इज इन माई बायो।